नमस्कार आप सभी को, स्वाद कढ़ाई का मैं आपका स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं ग्वार की फली। जी हाँ, नाम ही इसका ग्वार की फली है, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी सब्जी है और टेस्टी भी बहुत ही बनती है। बनाने में भी बहुत सिंपल है, तो आज आप देख ही लेंगे कि ये कितनी सिंपल है। हमने तेल गरम किया है, उसमें 8-10 कलियों को थोड़ा सा पंच कर दिया है, और पंच करने के बाद अब हम इनको भून लेंगे। तो भूनना बिल्कुल लाल नहीं करना है, देखिए पिंक पिंक से हो गए हैं ये। तो हम इनमें ऐड कर देंगे ग्वार की फली। हमने 250 ग्राम ग्वार की फली को अच्छी तरह धोकर और बारीक काट लिया है। तो कोशिश कीजिए आप कच्ची कच्ची ग्वार की फली लें, ज़्यादा मोटी ग्वार की फली नहीं लेंगे, नहीं तो उनके बीच में तार आता है, फिर वो दांतों में लगता है तो बेकार लगता है। तो कच्ची कच्ची ग्वार की फली लीजिए। अब ये काफ़ी अच्छी तरीके से भून चुकी है, तो इनको अच्छी तरह भून कर और हम इसमें 4 हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और फिर एक बार अच्छी तरीके से चलाएंगे। चलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर ढक कर पकने देंगे। तो हमने इसको मंदी आँच कर देनी है और बिल्कुल ढक के रख देना है, और 2-3 मिनट बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें क्या चेंज हुआ है। तो अब देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको हटाएंगे और एक बार फिर अच्छी तरीके से चलाएंगे। तो जो हरी मिर्च है वो भी नरम हो चुकी है, और ग्वार की फली है वो भी नरम हो चुकी है। तो बस अब इसमें हम करेंगे मसाले ऐड। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 चम्मच और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। बस अब हम इनको चलाएंगे। तो मसाले हम थोड़े थोड़े करके डाल रहे हैं, क्योंकि हर एक मसाले का जो भुनने की वो होती है वो अलग अलग होती है। दूसरे टाइम पे हम डालेंगे 1 चम्मच हींग और 1 चम्मच ही जिंजर पाउडर, जो सूखी अदरक का सौंठ बोलते हैं इसको, तो वो डालेंगे हम। और अब इसको हम अच्छी तरीके से चलाएंगे। तो गैस जो है हमने मीडियम हीट पर रखी हुई है, और इसको अच्छी तरह चलाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली हुई है, और 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, और उसके बाद इसको फिर अच्छी तरीके से चलाएंगे। अगर आप हल्का सा भी लग रहा है कि मसाला जल रहा है, तो थोड़ा सा पानी की छींटे लगा सकते हैं, नहीं तो इसको बिल्कुल मंदी गैस करके और फिर इसको मंदी आँच पर धीरे धीरे पकने देंगे, तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बस बीच बीच में आप चलाते रहें। तो देखिए कितनी शानदार सब्जी बनके तैयार हुई है। तो इसको आप अगर पराठे के साथ ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपको ये पसंद आई है, तो अब पहली बार आप चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय।